ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी कहा जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये सेकंड चैप्टर है। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ही है कुछ कुछ। वो क्या है कि इसके अंदर भी हमें जो चीज़ ढूंढनी है वो क्या है, सीक्वेंस। हमें जिस चीज़ को टारगेट करना है वो चीज़ क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस है। मैं सीक्वेंस लिखता हूँ, 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32, 64। तो हर एक नंबर पिछले नंबर से इक्वली टाइम्स बड़ा है या छोटा भी हो सकता है, उल्टा भी होता तो भी सही करते कि 64 हाफ 32 हाफ 16 हाफ 8 हाफ 4 ऐसे करते तो भी ये क्या होता, जीपी में होता। तो अगर देर इज ए इक्वली टाइम्स कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है तो हम उसे प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में कहते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, एपी में क्या होता था कि पहली टर्म अगर ए है तो दूसरी होती थी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, है ना, ऐसे होती थी। लेकिन यहाँ पे पहली टर्म ए है तो दूसरी होगी ए आर। आर क्या है यहाँ पे, आर इज अ कॉमन रेशियो। आर क्या है यहाँ पे, कॉमन रेशियो। अगली क्या होगी फिर इसकी, आर से मल्टीप्लाई कर दो, ए आर स्क्वायर। अगली क्या होगी फिर, आर से मल्टीप्लाई कर दो, ए आर क्यू। ऐसे करते करते इसकी लास्ट टर्म होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसकी क्या होगी, ए आर एन माइनस वन। तो ये क्या है इसकी, ये इसकी जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म जिसे हम टी एन बोलते हैं और कुछ बुक में ए एन बोलते हैं, वो क्या होती है, ए आर एन माइनस वन, वेयर ए इज वॉट, अगेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आर इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है कि देखो, 4 को 2 से डिवाइड करा 2, 8 को 4 से डिवाइड करा 2, 16 को 8 से डिवाइड करा 2, तो कॉमन रेशियो आ रहा है। तो जहाँ पर ये हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीपी में बोलते हैं। ये इसकी क्या हो गई, जनरल टर्म हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, ये आपसे कह रहा है कि फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। आपके सामने कोई भी जीपी की वैल्यू दे दी है और आपको कह रहा है कि आप इस ए की फिफ्थ टर्म निकालिए, 6, 18, 54, बस तीन दे दी। अब देखो, पहले तो यहाँ ए देख लेते हैं 6, अब यहाँ आर देख लेते हैं। आर क्या होगा, 18/6 यानी कि 3, और आपको निकालना क्या है, फिफ्थ टर्म यानी कि टी फाइव का फॉर्मूला ए आर 4। बस T5 क्या होगा, 6 × 3 की पावर 4, 3×9, 3×27 × 81, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसकी टर्म आ